कैसे आप अपने फेसबुक पेज पर टॉप फैन बैच ला सकते हैं, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई शिकायत हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद फिर हमें यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन अपना फेसबुक का खोलना है, तो हम यहाँ पर थ्री डॉट से क्लिक करने के बाद राइट साइड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है, उस पर हम टिक करने के बाद यहाँ पे फेसबुक सर्च करेंगे और फेसबुक www.facebook.com यहाँ पे सर्च करने के बाद सीधा चलेंगे अपने फेसबुक पर। तो यहाँ हमारा फेसबुक खुल चुका है साथियों, देख सकते हैं आप। तो टेक्नो मोबाइल पेज का यहाँ पे हमने टॉप फैन वेज एक्चुअली अप्रूव हो चुका है फेसबुक की तरफ से हमारे लिए, तो उसको हम आपको टॉप फैन वेज दिखाएंगे कि किस तरीके से काम करता है और कैसे आप अपने पेज पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पोस्ट की है, तो इसी पर मैं एक अपनी दूसरी आईडी से इसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टॉप फैन वेज यहाँ पर आ चुका है। तो ये टॉप फैन वेज आप अपने फेसबुक पेज के लिए कैसे ला सकते हैं, तो इसी पर आज हम चलते हैं और बात करते हैं। और आप अप्लाई कैसे करेंगे फेसबुक अपने पेज के लिए, यहाँ पर तो हमने आपको दिखा दिया टॉप फैन पेज हमारे पेज पे आ चुका है। अब आप अपने टॉप फैन पेज को अपने फेसबुक पेज के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसी प्रोसेस के लिए हम चलते हैं अपने फेसबुक पेज पर और यहाँ पे हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। फिर राइट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू का यहाँ पर बटन है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फेसबुक पेज खोलेंगे। पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट पे होम पे क्लिक करने के बाद अपना जो आईडी है उसको खोलेंगे। यहाँ पे आईडी खुल गया हमारा। अब राइट साइड में यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्चुअली आईडी है, हमारा फेसबुक आईडी है। यहाँ पे राइट साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा फेसबुक पेज खुल चुका है, तो हम फेसबुक पेज पे क्लिक कर लेंगे और सीधा अपने पेज की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा फेसबुक पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फेसबुक पेज की जो सेटिंग है उसमें हम जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग पे हम क्लिक कर लेंगे और सीधा चलेंगे फेसबुक पेज की सेटिंग में। तो हमने सेटिंग पे क्लिक किया और सीधा अपने चलते हैं फेसबुक पेज की सेटिंग में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेन्यू खुला है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में भी मेन्यू खुल के आएगा, उस मेन्यू में है फेसबुक पेज को, फेसबुक जो पेज है उसके आप टॉप फैन बैच कैसे अप्लाई करना है उसका प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये मेन्यू आया है, बहुत छोटा छोटा है। यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ है यहाँ पे टेम्पलेट एंड टैब्स का ऑप्शन, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। टेम्पलेट एंड टैब के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पे चलेंगे। टेम्पलेट एंड टैब का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल होता है। आपने अपना जो टेम्पलेट है उसको चेंज करना होता है। उसको चेंज करने के बाद जैसे ही आपका वो टेम्पलेट आप अप्लाई करेंगे न्यू थीम के लिए, तो यहाँ पे जो वीडियो थीम है उसको अप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फेसबुक का वो रिव्यू करने के बाद आपको 15 दिन या उससे एक महीना भी लग सकता है और आपको टॉप फैन पेज आपके जो पेज के लिए वो जारी कर दिया जाएगा। और कोई आपको कंडीशन नहीं करनी है, बस आपको अपना जो पेज की थीम है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट हमने कुछ यहाँ पे हमने खोले हैं, तो टेम्पलेट का यहाँ पे हम नीचे सबसे नीचे जो है वीडियो का टेम्पलेट, ये वाला, इसी को हम अपने पेज के लिए अप्लाई कर देंगे। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके कर दिया, तो साथियों बस इस आपको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। और आपका जो फेसबुक है वो रिव्यू करने के बाद आपके फेसबुक पेज के लिए ऑटोमेटिकली टॉप फैन बैच वो है जो वो जारी कर देगा। और आपको बता दूं कि ये टॉप फैन बैच आप कहाँ देख सकते हैं अपने, तो दोबारा से हम एक बार फिर से सेटिंग में चलेंगे।
दोबारा से हम एक बार फिर सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में जहाँ पे हमने टेम्पलेट्स एंड टैब का ऑप्शन है, वहाँ पे एडवांस मैसेजिंग का ऑप्शन है, उसके ठीक ऊपर आपको फेसबुक बैच का ऑप्शन दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अभी कोई चेक नहीं करना है, कम से कम आपने बिल्कुल 15 दिन से कोई चेक ही नहीं करना है। बेशक आप चेक करें रोज़, लेकिन 15 दिन या एक महीना लग सकता है इसको, फेसबुक रिव्यू करेगा उसके बाद ही आपके लिए जारी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।